मैं किसी को पीट रहा। और तभी ललित मसीहा बनकर बीच में कूद पड़ा और तब से वो मेरा दुश्मन है। अच्छी है स्टोरी, बहुत बहुत अच्छी है। तूने बनाई या उसने? उसने ही बताया। खैर, और तूने मान भी दिया। इतना आसान तो नहीं होगा तुम जैसे सीबीआई ऑफिसर्स को बेवकूफ बनाना, क्यों मिस्टर सिविक? यही नाम बताया तूने? हाँ ब्रूसेन। चलो तो फिर एक कहानी और हो जाए। कम ऑन। जब गेम स्टार्ट हो ही चुका है तो खत्म भी तो होना चाहिए। ये कहानी है तब की जब मैं और ललित हम दोनों साथ में ही काम करते थे। एक दिन हमें हीरों से भरी हुई पोटली मिली जिसे लेकर हम दोनों में विवाद हो गया। देख ले, ये हम दोनों को मिली है तो इससे भी बराबर का होना चाहिए। नहीं मुर्सेम, तूने हर बार दोस्त से किए, एक बड़ा और एक छोटा, जिसमें से तू बड़ा सा लेता आया है और मुझे देता है छोटा। लेकिन अब नहीं, साला ब्रूसेन, तुम किसी एक्सपर्ट से कम नहीं, खड़े खड़े एक नई स्टोरी बना डाली। बुद्धि पर यदि कालिक पुती हो तो कितना भी सफेद रंग क्यों ना डाल लो उसका कलर फीका नहीं पड़ेगा। तुझसे सर खफाने से अच्छा तुम उस ललित से अपना हिस्सा मांगता तो कुछ फायदा भी होता। इसका मतलब तुम सच बोल रहे हो? ऑफ कोर्स यार। तुझे क्या लगता है मैं जो ये सब बोल रहा हूँ क्यों सब एक नाटक है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम अपना हिस्सा लेना चाहते हो तो मेरे साथ चलो। मेरे एक साथी मिस्टर शिवम ने उसे पकड़ रखा है, वहाँ चलकर तुम अपना हिस्सा उससे मांग लेना। आइडिया भी बुरा नहीं है। नो, कहीं तू मुझे लालच देकर पकड़ना तो नहीं चाहता? क्या पकड़ तो नहीं सकता क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है और यहाँ पीपल नॉट अलाउड, और बिना हथियार कोई मुझे छू भी ले तो ब्रूसेन मेरा नाम नहीं। बहुत घमंड है ना अपने आप पर? हाँ हो जाता है कभी कभी। बातें अच्छी कर लेते हो। हाँ कर लेता हूँ कभी कभी। चलो
पहले तो भाग गया। तुमने उसे जाने कैसे दिया? ठीक है जल्दी आ। मुझे माफ कर दो गुरु साहब, उसको मैंने नहीं थॉमसन ने मारा है। ये लेते रही रे, पर मुझे छोड़ दे। मुझे पता है ये किसने मारा है, पर पहले मरेगा तू और उसके बाद थॉमसन। ये हीरो या पैसों की लड़ाई नहीं है, इस केस को हमें थोड़ा बारीकी से समझना होगा। इसे कहते हैं द गेम ऑफ स्टोरी, यानी कहानियों का खेल। पता नहीं इसमें कौन सी कहानी सच है और कौन सी झूठ।